रायबरेली के ऊंचाहार के बाबा का पुरवा गांव में बने रामजान के मंदिर मामले ने एक बार फिर से तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। कल कुछ लोगों द्वारा मंदिर पर पहुंचकर कब्जा करने के विरोध में आज सगरा आश्रम के मौनी महाराज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच गए और उन्होंने ज्ञापन देते हुए मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की। साथ ही मामले में नामजद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। वहीं डीएम ने भी उन्हें कार्रवाई करने का आश्वासन दिया और ज्ञापन प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम दिया था, जिसमें जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने तत्काल शासन को भेजने की बात कही है। देखिए, ये बाबा का पुरवा ऊंचाहार स्थित एक गांव है, जिस आश्रम में एक विवाद है, दो पक्षों का विवाद है, और ये दो पक्ष जो हैं इनके विवाद को ये कोर्ट में भी मामला लंबित है, लेकिन निश्चित क्योंकि ये मामला लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था से संबंधित है, तो स्थानीय प्रशासन को पूरे सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी दशा में कोई ऐसी बात ना उठे कि जिससे कोई फिर से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो बिगड़े। और हम लोग पूरी सतत निगरानी भी रख रहे हैं कि इसमें कि कोई भी जो पक्ष है वो अपने दायरे से बाहर निकलकर कोई ऐसी गतिविधि ना करे। बाकी ये पूरा मामला जो है वो न्यायिक प्रक्रिया में चल भी रहा है, तो वील वेट की जो कोर्ट के ऑर्डर्स होंगे उसके मुताबिक हम लोग अग्रिम कार्रवाई करें। कल की क्या सोच हम लेकर वहाँ पर शायद कुछ लोग कब्जा करने के लिए ऐसे गए थे? देखिए, कल कुछ लोग गए थे, उसमें रुकावट की गई थी, लेकिन अभी आज जो जनसुनवाई में मेरे पास में मैटर आया है उसमें ये भी बात आई है कि 16 तारीख को पुनः कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, तो हम लोगों के पास में भी अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क है, उसमें उस पर हम लोग पूरी सक्रियता से नज़र रखे हुए हैं, और ऐसे कोई भी अनाधिकृत रूप से या कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर कोई इस तरह की कार्रवाई करेगा तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं जब इस पूरे मामले पर जिलाधिकारी नेहा शर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मंदिर के प्रांगण में मौनी महाराज के साथ कुछ लोग आए थे, उनकी बातों को सुना गया, मामले पर लोकल प्रशासन को उचित कार्रवाई करने का आदेश भी दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन मैंने भेजा है, मन जिलाधिकारी के महोदय से, इसी जनपद की तहसील है ऊंचाहार, जहाँ के एक वयोवृद्ध आदरणीय संत थे प्रेमदास जी, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी, और उस पूरे मामले में जहाँ विवेचना ट्रांसफर कराने के बाद 2 करोड़ रुपया देकर के अपराधियों को मुक्त करा दिया गया है, उस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री जी को मैंने एक ज्ञापन जीवन डीएम माध्यम से दिया है, क्योंकि उसमें जो भी अपराधी हैं इसके पूर्व उस पीठ पर 2 हत्याएँ हो चुकी हैं, प्रेमदास जी की और सत्यनारायण दास जी की, लेकिन हर मामले में होता यह है कि जब सत्ता और बाहुबल के बीच में किसी को न्याय नहीं मिलता, जब यहाँ अपराधियों को लगा कि हम पकड़े जाएंगे तो उन लोगों ने यहाँ जो इतना ट्रांसफर करवा दिया और 2 करोड़ रुपया देकर के सब लोगों ने उससे मुक्त करा दिया, और ऐसी परिस्थिति में कोई भी संत वहाँ रहने को तैयार नहीं है, अब वो मठ और आश्रम पूरी तरीके से निरीह होने की स्थिति में है, अगर वहाँ न्याय नहीं मिलता है, अपराधियों पर कार्रवाई नहीं होती है, लोग पकड़े नहीं जाते हैं, तो कोई भी संत वहाँ रहने के लिए तैयार नहीं होगा और वो मठ छोड़ दिया जाएगा, ऐसी परिस्थिति में कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि और कहीं से भी कोई न्याय न मिलने की अपेक्षा में हमने ये सोचा कि माननीय जिलाधिकारी जी के माध्यम से ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को दें और उसमें सीबीआई अगर जांच हो जाए तो ये पता लग सकता है कि इसमें सारे मामले में कितने लोगों का हाथ, क्या लोग क्या कर रहे हैं। कल वहाँ पे क्या हुआ था? देखिए, कल वहाँ लोग कब्जा करने गए थे, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा, जो 302 के हत्यारे हैं कल वो कब्जा करने के लिए गए थे, आप बताइए आश्चर्य होता है, जो हत्यारे हैं वो मठ कब्जा कर रहे हैं, और आज ये परिस्थिति है कि वहाँ से जितने लोगों को आना था सारे लोग तैयार हो गए, उन्हें भयभीत कर दिया गया और सारे लोग अपने घर वापस चले गए, लोग निकल करके गांवों से वापस चले गए, उनको लगा कि यदि आप ज्ञापन देने जाते हो तो आपको गांव में रहने नहीं दिया जाएगा, ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया है।